भी पिक्चर दिख रहे हैं ना, सारे के सारे डायोड हैं। ये आपको टूले का डायोड है, ये 3 लेग का डायोड है, ये 4 लेग का डायोड है, ये सारे रेक्टिफायर डायोड हैं। इसको छोड़ के ये आपको जीनर डायोड है, ये नीचे वाला ये जीनर डायोड है, जीनर। बाकी सारे आपका रेक्टिफायर डायोड है। ये आपको 3 लेग का डबल डायोड, ये 2 डायोड को एक में मिला करके बनाया गया है इसको। ये दोनों सिंगल डायोड और ये 4 डायोड को बना करके मिलता है। इसका एक अलग से बनता है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, फेज न्यूट्रल इसमें गया। अब होगा आगे तब होगा, इसमें बताया जाएगा आपको। जैसे इसमें है ना, इसमें देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों टर्मिनल में एसी जाएगा, यहाँ पे साइन भी एसी का बनाया हुआ है। अब एसी जाएगा तो इस वाले पॉइंट से पॉजिटिव आउट करेगा, इस वाले पॉइंट से नेगेटिव आउट करेगा। समझ में आया? हेलो, हाँ सर, क्लियर है? हाँ सर। इसका बीच वाला पॉइंट पे आपको एसी जाएगा, मतलब एसी इनपुट होगा, इस वाले से डीसी पॉजिटिव आउटपुट होगा और इस वाले से नेगेटिव आउटपुट होगा। कट जा रहा, वही तो समस्या हो जा रहा है कि आवाज ही कट जा रहा है आजकल, कल से ही परेशानी हो रहा है। दूसरा है ये है SMD डायोड, 2 पिन, ये 2 पिन की, ये 3 पिन, ये 4 पिन और ये 2 पिन। इसमें यही होगा, इसमें ये दोनों पिन पे एसी इनपुट होगा और यहां से इस वाले से नेगेटिव आउटपुट और इस वाले DC. से पॉजिटिव आउटपुट। हाँ, डीसी। अगर नेगेटिव पॉजिटिव कहीं पे हो गया तो ऑटोमेटिक आपको डीसी ही समझना है, क्योंकि एसी में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है। और डायोड और उस डायोड में क्या अंतर, किसमें पिछले वाला फिगर दिखा था उसमें रेक्टिफायर डायोड और SMD? दोनों डायोड देखिए, दोनों सेम है। ये SMD डायोड है और वो पहले जो मॉडल चलता था वो ये इस डायोड, मैंने इसको है, इसका SMD का मतलब होता है सरफेस माउंटेड डिवाइस, सरफेस माउंट डिवाइस, एकदम बिल्कुल पकड़ा हुआ रहेगा डिवाइस नहीं, मतलब ये सरफेस पे माउंट होता है, इसको सरफेस पे चिपकाया जाता है। जो लैपटॉप पे जितने भी चीज लग रही है, टोटल चीज SMD लग रहा है, वो सब सरफेस उसको मतलब उसके ऊपर में चिपकाया हुआ रहता है। पहले जैसा नहीं है कि उस तरफ पिन पार कर दिया, दूसरे तरफ सोल्डिंग होता है। ये सारे लैपटॉप के ऊपर चिपकाया हुआ रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं SMD। SMD में डायोड आपको 4 टाइप का मिलेगा, 3 टाइप का नॉर्मल,
और एक जीनर डायोड इस टाइप का, जीनर डायोड इस टाइप में भी मिलेगा आपको और इस टाइप में भी मिलेगा। ऐसे जीनर डायोड का नॉर्मल शेप ये है, लेकिन अब जो लैपटॉप में आता है इस टाइप में भी जीनर डायोड मिलेगा आपको और इस शेप में भी जीनर डायोड आपको मिलेगा। अरे ये चार टैंक का डायोड हमेशा एसी इनपुट से मतलब एसी से डीसी में बदलने के लिए लगाया जाता है। इन दोनों टैंक पे एसी आ गए। लैपटॉप का बोर्ड में यही तीन ही ज्यादातर मिलेगा ना, ये चार पिन वाला तो नहीं आएगा उसमें क्या? नहीं, चार पिन वाला नहीं मिलेगा आपको, चार पिन वाला ही आपको एडेप्टर एडेप्टर में देखने को मिल सकता है, एडेप्टर में या किसी भी तरह का पावर सप्लाई में, SMPS में। एडेप्टर में वैसा ज्यादा मिलता है जिसमें एक साइड से चारों पिन था ना, जो पिछला में दिखाया था। हाँ, अब जैसे अब जो लेटेस्ट एडेप्टर आएंगे ना, चाहे डेलोल का, जब ओरिजिनल एडेप्टर जो आ रहा है ज्यादातर, अब इसी टाइप का सर्किट यूज करेगा सब। SMD हो गया, बस इतना आपको ध्यान देना है कि ये SMD हो गया और वो आपको नॉर्मल हो गया। ठीक है ओके। ये जो है आपको नॉर्मल हो गया और ये जो है दूसरा वाला, ये आपको SMD डायोड हो गया। क्लियर है? हाँ। जैसे वो इसका, जैसे ये भी चार टन के हैं, ये भी चार टन का है, और ये भी चार टन का है। दोनों का सिर्फ शेप में फर्क है, वर्किंग दोनों का एक ही होगा, शेप में फर्क है। दो इनपुट के लिए, दो आउटपुट के लिए, वर्किंग दोनों का सेम है, फर्क सिर्फ शेप में है। अब है ये डायोड क्या काम करता है। डायोड क्या काम करता है, कल बताए थे। डायोड क्या काम करता है? एक ही तरफ सर को फ्लो करता है। डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट कर, एसी को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। पहला तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी टू डीसी, और दूसरा इसका जो वर्किंग है वन वे है, एक साइड से करंट फ्लो करेगा। ये करंट कभी भी एक साइड से ही फ्लो करेगा। डायोड का सिंबल किस टाइप का होता है? एरो और फिर कटा। डायोड के इस वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को एनोड। एनोड मतलब एनोड प्लस पॉजिटिव में। एनोड मतलब इधर वाला, कैथोड मतलब नेगेटिव। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। यस। अब यहाँ पे मान लीजिए एक हम ट्रांसफार्मर लेते हैं,
ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में ये हो गया एसी इनपुट, दो सौ बीस वोल्ट, और ये हो गया एसी आउटपुट। ट्रांसफार्मर एसी इनपुट करेगा तो एसी ही आउटपुट करेगा, 12 वोल्ट। ठीक है, मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 12 वोल्ट का है, और 12 वोल्ट अगर इसको हम एसी से डीसी में अगर इसको हम कन्वर्ट करना है, कोई पावर सप्लाई बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। ये तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या निकालेगा, एसी निकालेगा या डीसी निकालेगा? एसी। हाँ, इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। इसको स्टेप डाउन क्यों बोलते हैं? वोल्टेज ज्यादा आ रहा था, कम आउट किया। हाँ, स्टेप डाउन इसको इसलिए बोले कि ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज किया, लो वोल्टेज बना दिया। ठीक है, ये 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट किया। अब हम चाह रहे हैं कि इसको इससे एक मतलब एलईडी जलाया जाए। ठीक है, एक एलईडी में दो पोल होती है। एलईडी क्या है? एलईडी भी एक डायोड ही है। डायोड ये ऐसा डायोड है जो रोशनी प्रदान करता है, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म हो गया लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, एक एलईडी है ये, इसके पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और इसको फिर वही मान लीजिए आप 2 वोल्ट और 20 मिली एम्पियर इसका पावर कंजप्शन है। अब इसको हमको जलाना है, तो कैसे जला पाएंगे? इसको हमको एसी सप्लाई से जलाना है, एसी सप्लाई से हमको इसको जलाना है, तो हम कैसे जलाएंगे? एक डायोड और एक रेजिस्टर। पहले क्या लगाएंगे? एक डायोड लगाएंगे, एक रेजिस्टर। पहले क्या लगाएंगे? पहले डायोड लगाएंगे पोल वन पे या पोल टू पे? वन ये नहीं मालूम, आप बताइए मनोज जी। अच्छा, एसी में पॉजिटिव कौन सा होता है और नेगेटिव कौन सा होता है? किसी पर भी लगा सकते हैं, 1 या 2 पे भी। हाँ, इसमें इसलिए लगा सकते हैं किसी पर भी, इसमें तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव का मामला ही नहीं है, जिधर मर्जी हुआ उधर लगा दिए। तो हम यहाँ पे एक डायोड लगाएं, लगाने के बाद देखना होगा कि कौन सा फिर। हाँ, अब डायोड लगाए तो मेरा पे यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या कौन सा कहा आएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पॉइंट पे मेरा कौन सा सप्लाई मिलेगा? और इस पर वो नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव पॉइंट होगा, ऊपर पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है?
मनोज जी, तो नीचे भी डायोड लगेगा कि ये अपने आप निगेटिव मान ले उसको? अपने आप ही हो जाएगा, जैसे एक पॉजिटिव हुआ। अच्छा, उसको ऊपर से वो डायोड लगाने से वो पॉजिटिव निकाल दिया। हाँ, लगाए तो ये पॉजिटिव निकल दिया तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। ये निगेटिव हो गया। हाँ, अगर वो निगेटिव निकलता, अगर हम इसी को रिवर्स में लगाते, पॉजिटिव है, अगर इसी को हम रिवर्स में लगाते तो ये निगेटिव निकलता, तो फिर ये एरिया आपको पॉजिटिव कहलाता, फिर ये नीचे वाला आपको पॉजिटिव हो जाता। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्ट कितना मिलेगा मेरे को डायोड के ऊपर, मतलब अगर यहाँ पे चेक करें, अब इस पॉइंट पे चेक करें और इस पॉइंट पे, तो मेरे को कितना वोल्ट मिलने वाली है? 6 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। अब देखिए, अब मेरे को यहाँ पे मिला 6 वोल्ट और अब इस एलईडी को जलाना है, तो अब तो इसका कनेक्शन अब कैसे करेंगे? रजिस्टर लगाएंगे। रजिस्टर कहाँ पे लगाएंगे? ऊपर डायोड के आगे रजिस्टर लगा देंगे। उसके बाद उसको सर प्लस में डालेंगे, उसके बाद इसको प्लस में चले जाएगा, प्लस में ऐड कर देंगे और इसको माइनस। ठीक है, ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब कनेक्शन कंप्लीट हो गया तो बात अब यहाँ पे एक चीज ये रह गई कि अब यहाँ पे रजिस्टर जो लगाएंगे वो कितनी वैल्यू का लगाएंगे, कौन सा रजिस्टर लगाएंगे? कितना वैल्यू का लगाएंगे सर? आपका 320। दो सौ ओम का। आशीष, या कितना ओम का, कितना वैल्यू का लगाएंगे? 200 ओम।